मैहर से नवनिर्वाचित भाजपा विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी ने विजय जुलूस निकाला और क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया। इस दौरान श्रीकांत चतुर्वेदी ने कहा, मैं अपनी जीत का श्रेय मैहर की जनता और भाजपा के कार्यकर्ताओं को देता हूं। श्रीकांत चतुर्वेदी ने कहा कि मैं सिंधिया खेमे से हूं, इस बात को सब अपने दिमाग से निकाल दें। मैहर विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार श्रीकांत चतुर्वेदी ने बड़ी जीत हासिल की है। अपनी जीत के बाद श्रीकांत चतुर्वेदी ने क्षेत्र में विजय जुलूस निकाला, जिसमें सैकड़ों समर्थक शामिल हुए। जगह जगह लोगों ने फूल मालाओं से अपने नव निर्वाचित विधायक का स्वागत किया। इस दौरान श्रीकांत चतुर्वेदी ने कहा, मैं अपनी जीत का श्रेय मैहर की जनता और भाजपा के कार्यकर्ताओं को देता हूं। मैहर में विकास की अपार संभावना है, हम विकास के लिए रूपरेखा तैयार करेंगे। श्रीकांत चतुर्वेदी ने कहा, लोगों को लगता है कि मैं सिंधिया खेमे से हूँ, इसे दिमाग से निकाल दीजिए। मैं कमलनाथ से आहत होकर कांग्रेस छोड़ भाजपा में आया। मैं इस जीत का श्रेय मैहर की जनता और भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ कार्यकर्ता उनको पूरा क्रेडिट देना चाहता हूँ। देखिए, मैहर आपको मालूम है कि मैहर जिला घोषित हुआ है, और मैहर जिला घोषित हुआ है तो यहाँ विकास की अपार संभावनाएं, उसके लिए मैहर के सारे लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। मेरा सबसे पहले प्रयास होगा कि मैहर के बुद्धिजीवी, पत्रकार बंधु, समाज सेवी और नगर पालिका के पदाधिकारी अधिकारी उनके साथ बैठ करके एक विचार विमर्श करेंगे और मैहर के एक खाका तैयार करेंगे, रूपरेखा तैयार करेंगे। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे मध्य प्रदेश में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी सदा हमेशा यही कहते हैं कि जब इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी तो माननीय कमलनाथ जी हमेशा पैसे का रोना रोते थे, लेकिन जब से दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बोला कि हमारे पास खजाना पर्याप्त है, हमको रूपरेखा तय करना पड़ेगा, हमको खाका तय करना पड़ेगा। जब तक ये क्या है, जब तक लोकल लीडरशिप सही ढंग से काम नहीं करेगी तो आगे काम नहीं हो पाएगा, वो हम काम करने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं गांव की जो परिस्थिति देखा, मेरे को करीब 1.5 से 2 माह का समय मिला और हर गांव के कोने कोने में गया। गांव में बहुत छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं थी, और जिसको मैं समझता हूं, मैं आरोप नहीं लगाना चाहता और रोलने की आवश्यकता भी नहीं रह गई, अब तो कहानी खत्म हो गई है, लेकिन बहुत छोटे छोटे से मुद्दे, अगर हम बस स्टॉप न बनवाते, गेट न बनवाते, जबरदस्ती के सोलर लाइट न खर्च करते, तो उस पैसे से उन छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती थी, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसके कारण जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको बैठ करके हम दूर करें। मैहर हमारे नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की है, माता रानी के कृपा से मैहर में विधायक भारतीय जनता पार्टी का हो गया, सतना भारतीय जनता पार्टी के है, प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, सेंटर में गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की है। हम लोग बैठ करके तय करेंगे, सभी वरिष्ठ जनों को बुला करके और रूपरेखा तय करेंगे। माँ शारदा लोक की भी घोषणा हो गई है, उसके लिए 25 करोड़ का एडवांस आ भी गया है। बिल्कुल ये दिमाग से हटा दीजिए कि मैं सिंधिया खेमे से जाना चाहता हूँ। मैं सिंधिया जी के साथ भारतीय जनता पार्टी में आया था, उसके कारण कार बंधु या और साथी एक अनुमान लगा लेते हैं कि मैं सिंधिया, ऐसा नहीं था। कमलनाथ जी से दुखी होकर के जो प्रदेश का मुखिया रहा हूँ, और मैं 52,000 वोट से पाकर के और मैं आया था, लेकिन उन्होंने मेरे को वो पहचान भी नहीं पाए थे। मेरे पिताजी नहीं रह गए थे, वो मैहर उतरे थे और मैहर में उतर करके 52,000 लोगों के घात पहुंचाया, भेस पहुंचाया, और मैहर बदेरा उतर करके वो लटे गांव गए थे। उसी दिन से मैं तय कर लिया था कि जो लीडर इस तरह से हो, जिसकी लीडरशिप इस तरह की हो, जो अपने कार्यकर्ताओं को पहचानता हो, उसके साथ रहने से उनको, और मैं तय कर लिया था, इसलिए अलग हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।